चलो नेक्स्ट, एक आता डायमेंशनल फार्मूला परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से निकाला जाए यार? म्यू नॉट तो जो ट्वेल्थ वाले हैं ठीक है, वो अगर पढ़े होंगे तो म्यू नॉट काफ़ी जगह आता है ठीक है, मैग्नेटिज्म में आता है। अब मैग्नेटिज्म में आता है तो हमें एक ऐसा फार्मूला सर्च करना है जहाँ म्यू नॉट सबसे आसानी से निकल जाए ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि एक करंट कैरिंग वायर है आर डिस्टेंस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है थीटा डिग्री आर डिस्टेंस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डी बी स्मॉल एलिमेंट है बी ओ सेवर्ट लॉ, उससे आसानी से म्यू नॉट डी बी इक्वल टू म्यू नॉट फोर पाई मो म्यू नॉट फोर पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर का स्क्वायर बी ओ सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट यहीं आसानी से आ जाएगा, साइन थीटा डायमेंशनल लेस है, फोर पाई डायमेंशनल लेस है, इन सबको भूल जाओ। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आर स्क्वायर डी बी मैग्नेटिक फील्ड और मल्टीप्लाइड बाई करेंट और ये छोटा लेंथ डी एल। अब डी बी फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम करने लगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फिर से एक नया फार्मूला मुझे लाना पड़ेगा और करेंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू होता है बिल साइन थीटा ठीक है ना, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा फोर्स अपान आई एल ठीक है, साइन थीटा को भूल जाओ डायमेंशनल लेस है ठीक है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपान आई डी एल एंड मल्टीप्लाइड बाई डी बी एफ आई एल ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो म्यू नॉट को, तो लेंथ 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 का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर ख़त्म हो गया ठीक है। फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और करेंट एम्पियर एम्पियर ए की पावर माइनस टू, दैट इज फोर्स एम एल टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू एम एल टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है ठीक है। चलो